तो ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। मेरा ख्याल है इसी वजह से उन्होंने सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए होंगे। सबसे पहले मैं ये जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, इन्होंने ये जो एक ट्वीट किया है जाते जाते कहा है कि आई एम डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक यू शहबाज शरीफ एंड इसहाक डार एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टिसीज। और ये बात करके जयशंकर अब से कुछ लम्हात कबल रवाना हो। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। तो जयशंकर इस वक्त इंडिया पहुंच चुके हैं और उन्होंने पाकिस्तान को लेकर ट्वीट किया है कि पाकिस्तान के हॉस्पिटैलिटी का बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों अगर हम बिलावल भुट्टो की बात करें तो पिछले साल बिलावल भुट्टो भी इंडिया गए थे, लेकिन उन्होंने बहुत बड़ी कॉन्ट्रोवर्सी की थी इंडिया को लेकर, बहुत ज्यादा हेट जो था मीडिया पर फैलाया। लेकिन डॉक्टर जयशंकर, जैसे वो कहते हैं कि आई एम वेरी सिविलाइज पर्सन, तो उन्होंने कहीं ना कहीं भारत का जो कल्चर है उसको तो पाकिस्तान में प्रमोट किया। जयशंकर का इनिशियली जब इस्तकबाल कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, मुझे उस वक्त लगा कि उन्हें थोड़ा जरा सी और गर्म जोशी होनी चाहिए थी। जो चल रहा है ना अभी सब कुछ, वो सिर्फ और सिर्फ हर जगह पर जो कुछ चल रहा है सिर्फ ये चल रहा है कि जयशंकर पाकिस्तान गए, जो कि मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव जैसे था डॉक्टर जयशंकर की तरफ से। मैं कई दफा कह चुका हूँ कि ही इज अ सीजन डिप्लोमेट, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, उनको सफारतकारी बड़ी जबरदस्त आती है, उनको पता है मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। अब ये जो है ना हालात, मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसके ऊपर बड़ी बात ये हुई कि डॉक्टर जयशंकर ने थैंक यू बोला है पाकिस्तान को, और वो इसलिए कहा गया कि उन्होंने एक ट्वीट किया और उसके अंदर, उस ट्वीट के अंदर डॉक्टर जयशंकर का ये कहना था कि डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद, थैंक पीएम शहबाज एंड डीपीएम एंड एफएम डार, उन्होंने उनको टैग कर दिया, एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द हॉस्पिटैलिटी। तो ये कहना डॉक्टर जयशंकर का, ये उनकी डिग्निटी शो करता है। ये डॉक्टर जयशंकर का ये कहना, थैंक यू बोलना, ये उनकी ग्रेटनेस शो करता है। इसकी वजह ये है कि देखिए, मैंने पहले भी बात की थी, बड़ी अच्छी हॉस्पिटैलिटी की हम बात करें, बड़ा जबरदस्त वहां पे सब किया गया, बहुत अच्छे तरीके से उनको रिसीव किया गया, हमने आपको दिखाया कैसे वेलकम किया गया, एवरीथिंग वॉज सो गुड। लेकिन इसके अंदर कुछ सवाल तो हैं कि भाई मैंने ये किया था कि जो पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर हैं वो क्यों नहीं लेने उनको गए, डार साहब जो हैं वो उनको लेने क्यों नहीं पहुंचे, उनको वेलकम डार ने क्यों नहीं किया फॉरेन मिनिस्टर ने। लेकिन ऑब्वियसली जो सिलसिला चल रहा था, जो दोनों कंट्रीज के बीच हालात है उसके अंदर वो नहीं गए, लेकिन फिर भी बहुत जबरदस्त वेलकम हुआ। लेकिन ये भी तो हो सकता था और होना चाहिए था कि पाकिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर या कोई जो बड़ा मिनिस्टर उनको रिसीव करने के लिए जाता, लेकिन देखिए वो फिर भी आपको थैंक यू बोल रहे हैं, ये उनकी डिग्निटी। और सबसे बड़ी बात ये, एक और जो मुझे वो है, मुझे ये बताइए कि जो डॉक्टर जयशंकर की स्पीच जब चल रही थी तो उसका उर्दू में ट्रांसलेशन क्यों चल रही थी, उनकी आवाज क्यों नहीं सुनाई दे रही थी। जब वो स्पीच उन्होंने स्टार्ट की अपनी, हमने फटाफट जो है मैंने खोला, मैंने कहा चलिए स्पीच सुने डॉक्टर जयशंकर की, हर जगह मैंने ट्राई कर ली कि भाई डॉक्टर जयशंकर क्या कह रहे हैं, स्पीच सुनाई दे उनकी, किसी भी जगह पर उनकी स्पीच जो है वो उनकी लैंग्वेज, जिस लैंग्वेज में वो कर रहे थे वो इंग्लिश में कर रहे थे या हिंदी में कर रहे थे, आपको वो चलाना चाहिए। दोस्तों एक इंपॉर्टेंट डे कंक्लूड हुआ, आज भारत के मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर डॉक्टर जयशंकर जो है वो वापस चले गए हैं अपने मुल्क भारत, और लेकिन जाते जाते ही ट्वीटेड, और जो ट्वीट उन्होंने की वो कहा थैंक यू पाकिस्तान, शुक्रिया अदा किया उन्होंने पाकिस्तान की गवर्नमेंट का, पाकिस्तान की लीडरशिप का, फॉर द हॉस्पिटैलिटी और फॉर द कर्टसीज। ये उनकी जो ट्वीट थी जयशंकर साहब की, ये वो थी जिसको पाकिस्तान के अंदर काफ़ी डिस्कस किया गया है। ये जब जयशंकर आए हैं कल, अगर आप उनका ट्विटर हैंडल देखें तो जयशंकर ने समझे कि बहुत अच्छा ये ट्रिप की है। उसकी वजह यह है कि आप जयशंकर साहब का ट्विटर हैंडल देखें तो वो कल जाते जाते उन्होंने खैर थैंक यू का, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का वो तो सारा हुआ, उन्होंने फॉरेन मिनिस्टर का भी थैंक यू कहा और प्राइम मिनिस्टर का भी थैंक यू कहा कि आपने हॉस्पिटैलिटी भी की और कर्टसी भी शो की। इट मींस कि वो दोनों लफ्ज उन्होंने इस्तेमाल किए, विच इज़ गुड। और हमारे दोस्त हैं डिप्लोमेट, वो उनको छोड़ने गए एयरपोर्ट पे, अदील खोकर साहब थे और इलियास नजामानी साहब हैं डी जी साउथ एशिया, वो उनको छोड़ने गए। और आप जयशंकर साहब का देखें कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने उनको दो दफ़ा तीन दफ़ा हैंडशेक किया,
सब कुछ हुआ तो उससे पता ये चला कि जयशंकर को बड़ा अच्छा लगा कि मुझे, बेशक आई वॉज अ फॉरन मिनिस्टर, मुझे थोड़ा सा एक वो दे सकते थे कोल्ड शोल्डर शहबाज शरीफ साहब, लेकिन उन्होंने बिल्कुल कोई कोल्ड शोल्डर नहीं दिया, उन्होंने बड़े अच्छे तरीके से जो है वो चीज़ें की और मेरी ज़ाती नज़र में ये एक अच्छा तासुर है जो कि मैं समझता हूँ बड़ा पॉजिटिव जैसे था डॉक्टर जयशंकर की तरफ से। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ कि ही इज़ अ सीजन डिप्लोमेट, बड़े मंजे हुए डिप्लोमेट हैं, उनको सफारतकारी बड़ी ज़बरदस्त आती है, उनको पता है मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना किस तरह बोलना है। तो ये एक एक चीज़ जो है वो उन्होंने कही और एक छोटी सी उसकी वीडियो भी रिलीज हुई है, सुनने में आया है कि क्रिकेट के ऊपर बात की, सारी बात है कश्मीर के ऊपर तो गलत निशाना शुरू कर देनी है, ये तो नहीं था ना कहना कश्मीर तुम्हारा कश्मीर हमारा है या 370 ये वो। तो मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान के अंदर तो हुकूमत जो है वो ये भी कह रही है, कई लोग जो अपोजिशन में वो कह रहे हैं लो जी पाकिस्तान ने सौदा कर दिया, नवाज शरीफ ने ये कह दिया है कि हम जो है वो 370 की बात ही नहीं की, मोदी साहब की बात की। देखिए ये चीज़ें जो है ना ये थोड़ा सा मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे ये समझने की जरूरी के लिए ज़रूरी है कि आपने सबसे पहले जब बात शुरू करनी होती है तो कंसेंसस कॉन्फिडेंस बिल्डिंग करना। हाँ ये गया कि जी 8 बजे के बाद जो है वो रोड्स को खोला जाएगा तभी आप जा सकते हैं, तो इवन जो है वो तो तकरीबन 7 बजे हम लोग फ्री हो गए थे लेकिन हमें निकलते निकलते 8:30 बजे क्योंकि रोड्स ब्लॉक थी। तो इतने दिन हम इतनी देर बैठ के हम क्या करते, तो हम खाते रहे बातें करते रहे और बहुत हमने एंजॉय किया, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कोई पिकनिक हो रही है और हमारे इंडियन फ्रेंड्स भी मौजूद थे, हमारे पाकिस्तानी फ्रेंड्स भी थे और हम लोग हंस रहे थे बोल रहे थे बातें कर रहे थे। और इसी वजह से कल मैं, आपने देखा होगा कि मेरी कोई भी एक सिंगल वीडियो भी जो है वो नहीं आई और उसमें मेरी ये भी गलती थी कि मैंने पहले से एडवांस में कोई वीडियो बना के नहीं रखी थी, बिकॉज मैं एक दिन पहले भी जैसे आपको बता रही हूँ कि मैं पूरी कोशिश करती रही कि मैं किसी तरीके से पाक चाइना फ्रेंडशिप सेंटर पहुंच जाऊं लेकिन ना हो पाया, मगर खैर कल हो गया और मैं हो अपने फ्रेंड्स वगैरह से भी मिल ली, कुछ इंडियन फ्रेंड्स जो है उनसे भी मुलाकात हो गई। साथ साथ अगर हम बात करें डॉक्टर जयशंकर की, डॉक्टर जयशंकर ने तो जी एक समा बना दिया और जिस तरीके से सबसे पहले उनको रिसीव किया गया और वो पहुंचे पाकिस्तान, उनको फूल पेश किए गए, एक बच्ची ने दिए, फिर एक छोटा बच्चा आया था और डॉक्टर साहब के चेहरे पे जो एक मुस्कुराहट थी, बस वो स्माइल जो मैं हमेशा आपसे कहती हूँ ना, हंसते रहिए मुस्कुराते रहिए। मुझे लगता है डॉक्टर जयशंकर मेरी वीडियोस देखते हैं, खासतौर पे भेजा फ्राई, इसीलिए उन्होंने उस बात का खास ख्याल रखा कि वो मुस्कुराते रहे और मेरा ख्याल है इसी वजह से उन्होंने सब पाकिस्तानियों के दिल जीत लिए होंगे। लेकिन साथ साथ हम आपको ये भी बता दें कि जी उनका इवेंट में जब वो गए यानी कि एससीओ की मीटिंग में गए हैं, वहां जो ये दोनों मिले हैं यानी कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ और उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, और उन्होंने हाथ मिलाया है, शेक हैंड दोनों ने किया है, तो वो देखकर तो जी बहुत से लोगों को बहुत अच्छा लगा है। और मैंने तो कहा भी है कि माशाल्लाह 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 नजर ना लगे, बहुत जबरदस्त लगे। और डेफिनेटली क्रेडिट जाता है डॉक्टर जयशंकर को भी कि वो हमारे यहाँ आए और इतने हंसते मुस्कुराते आए जबकि बहुत टेंशन बनी हुई थी कि उनके लिए। बिलावल भुट्टो जब गए थे एससीओ मीटिंग में तो वहां पर उन्हें कोई खास पसंद नहीं किया गया था, उनकी बातें भी बहुत ऐसी थी जिनको सुन के लोगों को कोई खास अच्छा नहीं लगा, तो हम लोग बहुत परेशान थे कि ना जाने डॉक्टर जयशंकर जो हैं वो मुस्कुराएंगे भी या नहीं, लेकिन डॉक्टर साहब मुस्कुराए और बहुत अच्छा लगा और आई विश कि वो हमेशा हंसते मुस्कुराते रहें और ऐसे ही खुश खुश रहें। साथ ही हम आपको ये भी बताएं कि जी उन्होंने इंडियन एम्बेसी में जो है एक पौधा भी लगाया यानी कि दरख्त भी लगाया और डेफिनेटली हमेशा याद रखा जाएगा कि तकरीबन 10 साल के बाद जो है 9 या 10 साल के बाद कोई इंडियन फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान आए और वो इंडियन एम्बेसी में एक पौधा भी उन्होंने लगाया और ये बहुत अच्छी बात है और डेफिनेटली इससे जो है मजीद टेंशन जो है मेरे ख्याल है पाकिस्तान और हिंदुस्तान की कम होती दिखाई दे रही है और डेफिनेटली ऐसा ही लग रहा है कि कुछ ना कुछ अच्छा होने जा रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान की तरफ से भी खास ख्याल रखा जाएगा। और डॉक्टर जयशंकर जी कल जो है वो वापस हिंदुस्तान जा चुके हैं और हिंदुस्तान जाते हुए भी जो है वो काफी मुस्कुराहटें जो है उनका तबादला हुआ। पावर, मुस्लिम न्यूक्लियर पावर, कोई इज्जत ही नहीं लगती अपनी, ना कोई बहुत ज्यादा मुल्कों के लोग यहाँ पर आते हैं, ना हमारे वजीर आजम को भी बहुत ज्यादा बुलाता है, आपको बुलाते भी हैं तो वो आपको पता है वो भी घबरा करें, तो इस वक्त ना हिंदुस्तान की तरफ से ऐसी कोई बेचैनी या बेकरारी है पाकिस्तान से बात करने के लिए, ना पाकिस्तान इस वक्त कोई, शायद मैं ये बोलूंगा कि हाँ एक पाकिस्तान की ख्वाहिश तो होगी लेकिन वो कहते ना ताली दोनों हाथ से बजती है। देखिए एक बात आपको समझनी पड़ेगी, इंडिया की जो डिप्लोमेसी है उनकी जो सिफारतकारी है
वो पाकिस्तान को एक इररेलेवेंट मुल्क समझते हैं। उनको ये लगता है कि पाकिस्तान एक पराया स्टेट है जिससे उनको बात करने की कोई जरूरत नहीं है। मिस्टर जयशंकर अभी इन्होंने सितंबर में जो अक़वामे मुत्तहिदा में तकरीर की थी वो बहुत एंटी पाकिस्तान, बिल्कुल पाकिस्तान को एक कहना चाहिए कि एक बहुत ही निचले दर्जे का मुल्क जो है, जिस तरह हिंदुस्तान में निचली जात के लोग हिंदुओं में होते हैं, इस तरह पाकिस्तान को उसी तरह का मुल्क करार देते हैं। सो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन ना। सबसे पहले मैं ये जो आपके एक्सटर्नल अफेयर्स के मिनिस्टर हैं डॉक्टर जयशंकर, इन्होंने ये जो एक ट्वीट किया है जाते जाते, डिपार्टिंग फ्रॉम इस्लामाबाद थैंक्स प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ, फॉरेन मिनिस्टर मोहम्मद इसहाक डार एंड द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर द हॉस्पिटैलिटी एंड कर्टसीज। और आपका भी मैंने एक डिस्पैच पढ़ा इंडिया टुडे के लिए, उसमें आप कह रही हैं कि फायरवर्क्स नहीं हुए और फायरवर्क्स के बगैर ही जो मामला है वो अच्छे तरीके से ख़त्म हो गया है। आपका इस पे जो जयशंकर साहब ने जो ट्वीट किया है, बड़ी अच्छी ट्वीट है, बड़ा अच्छा मैसेज है, आपका इस पे क्या तबसरा है? देखिए, हमने हाल फिलहाल में जितने भी इवेंट्स देखे हैं जहां पर पाकिस्तान और भारत एक रूम में होता है, वहां पर माहौल बहुत बहुत कॉर्डियल तो होता नहीं है हामिद। ये पहली बार है काफी अरसे बाद जब हम देख रहे हैं कि न केवल उनके आने से लेके जाने तक माहौल कॉर्डियल था, कुछ मीटिंग्स भी हुए, कुछ ऑन द साइडलाइंस भी हुए, और जो स्टेटमेंट दिए दोनों तरफ से, चाहे वो शहबाज शरीफ जो वजीर आजम है उनके तरफ से या फिर हमारे विदेश मंत्री के तरफ से, वो स्टेटमेंट से ही पता चलता है कि टेम्परिंग डाउन जरूर हुआ है। फिर हमें खबर मिली कि नहीं, बस ये नहीं हुआ, लंच और वेटिंग रूम के दरमियान जो हॉलवेज हैं और लाउंजेस हैं वहाँ पर भी जब लीडरशिप बात कर रही थी तो बातचीत हुई, शहबाज शरीफ साहब से बातचीत हुई जयशंकर जी की, और उसके बाद लंच में आपके पास जियो के पास विजुअल्स है हामिद, जहाँ पर इसहाक डार और जयशंकर साथ साथ बैठे नजर आ रहे हैं। तो ये केवल एक इनफॉर्मल चिट चैट जो पहले हमें लग रहा था वो नहीं है, चिट चैट से थोड़ा ज्यादा हुआ है। क्या हुआ है, क्या बातचीत हुई है, वो देखना जरूरी होगा और जानना जरूरी होगा। शायद आगाज है थोड़े बेहतर रिलेशंस के तरफ, लेकिन भारत का पॉलिसी और स्टैंड नहीं बदला है हामिद। अगर आप स्टेटमेंट देखें जयशंकर का आज के स्पीच में, दो बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं, एससीओ की बड़ी बड़ी बातों के अलावा दो इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जिन पर उन्होंने स्ट्रेस किया। एक आतंकवाद पर, जहां पे उन्होंने अक्रॉस द बॉर्डर यानी कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म का रेफरेंस दिया बिना पाकिस्तान के नाम लेते हुए। दूसरा, उन्होंने सीपैक और बीआरआई की बात की बिना चीन और पाकिस्तान का नाम लेते हुए, जहां पे उन्होंने कहा कि भारत की टेरिटोरियल इंटेग्रिटी और सॉवरेंटी को रिस्पेक्ट करना चाहिए। तो बेसिक प्रेमाइस सेम है लेकिन लेवल ऑफ एंगेजमेंट बदल गया है। तो क्या ये लेवल ऑफ एंगेजमेंट ऐसे कॉर्डियल ही रहेगा? एक और छोटी सी चीज बिफोर आई टॉस बैक टू यू, हमने देखा है कि जो सरकारें हैं, सरकारों का भी बहुत असर होता है रिश्तों पर। जब जब इमरान खान की सरकार के दौरान काफी ज्यादा जो एक्रोमोनियस रिलेशनशिप था वो बढ़ गया। इंडिया के हवाले से बात जाहिर है, हमारा चूंकि वो नेबर ऐसा है कि वो उसके बगैर भी नहीं रह सकते, उसके साथ भी नहीं रह सकते, हमारा कुछ रिश्ता ही इस तरह का बन गया हुआ है क्योंकि चीजें कॉमन बहुत हैं दोनों मुल्कों में, इसलिए ना करते भी बात आ जाती है। जयशंकर का इनिशियली जब इस्तकबाल कर रहे थे शहबाज शरीफ साहब, मुझे उस वक्त लगा कि उन्हें थोड़ा जरा सी और गर्मजोशी होनी चाहिए थी, मैं मेरी अपनी फीलिंग्स है, गलत हो सकती हैं, लेकिन उसके बाद जिस तरह से उन्होंने तारीफ की, शुक्रिया अदा किया पाकिस्तान की मेजबानी का, और बाकी वो जाहिर है उन्होंने वही कहना था जो इंडिया हमेशा कहा करता है, उसमें तो कोई तब्दीली आ नहीं सकती थी। मुझे एक चीज लगती है कि पता नहीं क्यों मुझे ये फील हो रहा है, कल भी मैं ये बात करना चाह रहा था, उसके बाद जाहिर है वो मौका नहीं मिल सका जी जी, कि नरेंद्र मोदी को बुलाने के लिए इस गवर्नमेंट को और रियासत को नवाज शरीफ साहब को एक असाइन करना चाहिए था, उनसे रिक्वेस्ट करनी चाहिए थी कि आपके चूंकि ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं नरेंद्र मोदी से, तो आप कोशिश करें कि वो इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर लें। तो थोड़ा सा चीजें डिफरेंट होती, जयशंकर जब आते पाकिस्तान में तो मामला स्टिल, मैं समझता हूं कि जैसे वो इसहाक डार के साथ उन्होंने मुझे इतला मिली है कि शायद ख्वाहिश करके उन्होंने वहां अपनी कुर्सी लगवाई थी कि वजीर खारजा पाकिस्तान के और मैं उनके साथ बैठना चाहता हूं,
फिर वो ये भी इतलात हैं कि शहबाज शरीफ साहब से भी वो इशाइये में उनकी अच्छी गपशप हुई। ये नहीं होता कि जब आप जाहिर है बहुत दूर होते हैं तो आप बात नहीं कर रहे होते आपस में, तो वो एक कुटी की सूरत हाल होती है ना, लेकिन जब आप हाथ मिलाते हैं, बैठते हैं, गपशप करते हैं तो चीजें वो बेहतर होती हैं, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। बिल्कुल। मैं ये नहीं कह रहा कि हमारी दोस्ती कल से हो जाएगी इंडिया से और हालात बहुत बेहतर हो जाएंगे, लेकिन इन जेस्चर्स से फर्क पड़ता है और मेरा ख्याल है ये मौका ऐसा मिल गया है तो इससे आगे बढ़ना चाहिए। बाकी पाकिस्तान के लिए मौके तो बहुत हैं इस हवाले से, सिर्फ ये है कि हमने अपनी प्रायोरिटीज को सेट करना होता है, वो बदकिस्मती से हम आज तक सेट नहीं कर सके क्योंकि हमारी वो नी जर्क रिएक्शन होता है, एक कॉन्फ्रेंस आई करके फारिग हो गए और एमओयूज तो किसी ने भी बड़ा अच्छा वो किया हुआ था कि दफ्तर खारजा में तो शायद जगह भी नहीं रही होगी जितने एमओयूज हम कर चुके हैं। और चीजें मतलब वो हमारे यहाँ ना बड़ा मसला है तो वो एमओयू हो गया बस ठीक है, उसके बाद चिल करते हैं, बैठ जाते हैं आराम से कि जी बस हो गया ना वो कंजम्पशन के लिए जी कॉम को हमने दिखा दी कि हमारे एमओयू हो गए। ये इन चीजों से आगे बढ़ना पड़ेगा। भारत और पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा की गैर मामूली मुलाकात हुई है। मुलाकात वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से एससीओ समिट के मौके पर हुई है। ज़ोहराने के मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक साथ बैठे नजर आ रहे हैं कि खुशगवार माहौल में एक गुफ्तगू हो रही है वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर के दरमियान। ये ज़ोहराने के मौके पर वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार और भारतीय वज़ीर ख़ारजा जयशंकर एक साथ खुशगवार माहौल में बैठे नजर आ रहे हैं। एजाज सईद हमारे साथ मौजूद है। एजाज बताएगा, अब तो ये फुटेज भी आ गई है जिसमें हम देख सकते हैं कि दोनों बहुत खुशगवार मूड में बैठे हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है, ये सीटिंग अरेंजमेंट भी खसूसी तौर पे किया गया था। ये सीटिंग जो नॉर्मल सीटिंग थी वो इस तरह से नहीं थी। दोनों वज़राए खारजा ना सिर्फ आपस में मिले हैं, इनकी बातचीत हुई है खाने के ऊपर।